अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तानी फूड रिव्यूज एंड व्लॉग्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हारून। व्यूअर्स, आपको मालूम है कि मेरी मुकम्मल कोशिश होती है कि आपको लाहौर के अंदर सबसे चीपेस्ट एंड बेहतरीन बूफे का रिव्यू दिया जाए, क्योंकि ईद गुजर गई थी और मैंने काफी दिन से किसी बूफे की वीडियो नहीं डाली थी, तो सोचा क्यों ना आपको एक 5-स्टार रेस्टोरेंट का बेहतरीन प्रीमियम बूफे करवाया जाए, जिसके अंदर आपको चीपेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मल प्राइस के अंदर बेहतरीन बुफे एंड बेहतरीन डील के साथ आप लोगों को खाना खिलाया जाए। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, कैमरामैन दिखा सके, मैं इस वक्त मौजूद हूं चांदनी चौक रेस्टोरेंट पे, जो कि मौजूद है गुलबर्ग के अंदर। और यहां पर इनका जो एम्बियंस है वो पूरे लाहौर में मशहूर है कि इनका जो एम्बियंस है बहुत आउट क्लास है, सिटिंग एरिया बहुत आउट क्लास है, और खाने की टेस्ट की बात करें तो खाने का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा आउट क्लास है। खाना प्रीमियम है, प्रीमियम क्वालिटी का खाना है। यहाँ पर आपको बीफ, मटन, चिकन और पावे मिलते हैं, यानी कि पाए भी आपको मटन के मिलते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सिर्फ बारबेक्यू के अंदर 30 से 35+ डिशेज मिलती है। मेन कोर्स के अंदर तकरीबन 20+ डिशेज है। फ्राइड आइटम्स के अंदर तकरीबन 30+ डिशेज है। स्वीट के अंदर तकरीबन 50+ डिशेज हैं। फास्ट फूड और चाय, इसके अलावा आप लोगों को बहुत सी आइटम्स मिलती हैं। बेहतरीन डील इनकी ये है कि आप लोग अगर यहाँ पर बुफे करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक तो टैक्स नहीं लगेगा, दूसरी बात कि यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक्स की रिफिल मौजूद है। आप यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर अनलिमिटेड ड्रिंक्स पी सकते हैं, उसमें आप फेंटा लें, कोक लें, कुछ भी लें, वो आपको अनलिमिटेड मिलेगा। लेकिन जो वेलकम ड्रिंक है मिंट मार्गरिटा, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो सिर्फ आपको एक बार मिलेगा। अंदर चलते हैं, प्राइस बताते हैं, टेस्ट बताते हैं और तमाम जो इनकी चीजें हैं, इनके एम्बियंस वगैरह है, उनका आपको रिव्यू करके दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बुफे स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले जो बुफे के अंदर डिश है उसका नाम है जी चिकन तंदूरी। चिकन तंदूरी के अंदर ज़्यादातर जो है वो हमें जो पीसेस मिले थे वो मिले हैं जी चिकन लेग पीस के। आगे चलें तो यहाँ पर हमें मिलता है जी चिकन मलाई बोटी। ये जो वैरायटी चल रही है ये है वैरायटी ऑफ बारबेक्यू, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 डिशेस कवर कर ली हैं। आगे चलें तो ये है जी चिकन शिश टॉक, शायद मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंस किया है, अगर नहीं किया हो तो उसके लिए सॉरी। इससे आगे चलें तो यहाँ पर मिलता है चिकन सीख कबाब। ये जो चिकन सीख कबाब है व्यूवर्स, ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थे, बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जूसी थे, शक्ल से ही आपको पता लग रहे होंगे। इससे आगे चलें तो ये हैं जी चिकन गोला कबाब। आगे आप देखते जाएं कि आपको सिर्फ बारबेक्यू के अंदर कितनी लंबी वैरायटी मिलती है। ये आई थिंक 4थी से 5वीं डिश हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कबाब हैं ये कितने ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। और इससे आगे चलें तो ये है जी व्यूवर्स फ़िश कबाब, फ़िश सीख कबाब। पहली बार मैंने किसी बूफे के अंदर फ़िश सीख कबाब देखा है। और आगे चलें तो ये है जी अफ़गानी बोटी, चिकन अफ़गानी बोटी। आगे चलें तो यहाँ आती है जी राजस्थानी चीज़ बोटी। आप लोग देख सकते हैं चीज़ की एक प्रॉपर लेयर रखी गई है इसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लग रही है। जी तो व्यूवर्स, अब यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है चिकन चीज़ पिज़्ज़ा। आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर एक प्रॉपर चीज़ की लेयर है, क्योंकि थोड़ा से ठंडे हो जाने की वजह से वो चीज़ की जो लेयर के अंदर जो वो जैसे आप समझते हैं ना एड्स के अंदर लेयर जो बनती है चीज़ की वो नहीं बन पाई। तो अभी आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने शवारमा था, उसके बाद ये आ चुका है सैंडविच और ये है जी मिनी जिंगर बर्गर। जितनी भी वैरायटी है ना चिकन की उसके अंदर इन लोगों ने प्रॉपर एक चिकन की लेयर डाली होती है, यानी कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में चिकन मौजूद होता है। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर थी फिंगर फिश और यहाँ पर आ चुका है जी चिकन फ्राइड, यानी कि जिंगर कह सकते हैं आप इसको, या आप इसको क्रिस्पी फ्राई चिकन भी कह सकते हैं। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है चिकन स्टिक्स। ये चिकन चीज़ स्टिक्स हैं, जब आप इसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर से चीज़ निकलेगा। आगे चलें तो यहाँ पर है जी ये है जी बटर फ्राइड प्रॉन्स।
प्रॉन जो है वो मैं तकरीबन अपने बुफे जितने भी मैंने किए हैं उसके अंदर सेकंड मरतबा टेस्ट करूंगा, क्योंकि पहले मैंने टेस्ट किया था इसको लाल किला के अंदर, अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको चांदनी चौक रेस्टोरेंट के अंदर। और यहाँ पर हमारे सामने आगे आ चुकी है जी अल्फ्रेडो पास्ता, उसके बाद यहाँ पर है जी फ्रेंच फ्राइज़। यार ये जो फ्राइज़ है ना बहुत ही कमाल के नस्ली फ्राइज़ थे, इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर एक मसाला की लेयर थी, अच्छी तरह मसाले के अंदर कोटिंग करके ना इसको सर्व किया हुआ था। इससे आगे चलें तो ये है जी एग फ्राइड राइस, आगे चलें तो यह है जी ये है जी चिकन चाउमीन, उससे आगे चलें तो आई थिंक ये चाइनीज़ सेशन शुरू हो चुका है, ये है जी चिकन मंचूरियन, ये है जी चिकन ग्रीन चिली, चिकन ग्रीन चिली इसकी नाम था इस रेसिपी का, पता नहीं कैसा होगा टेस्ट के अंदर। इसके अंदर हमें जो है वो बहुत से वेजिटेबल्स मिले और इसके अंदर बॉयल्ड हमें एग भी मिला था। ये है जी शेफ़ स्पेशल ग्रेवी, आप लोग देख सकते हैं कितनी यमी है। व्यूवर्स ये है जी स्वीट चिकन चिली, और अभी इसको मैंने अभी तक टेस्ट तो नहीं किया, लेकिन जब टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये है जी इनका अफ़गानी पुलाव, अफ़गानी पुलाव के अंदर इन लोगों ने जो है कोफ्ते डाले हुए थे, ठीक है। और ये आगे जी व्यूवर्स चिकन मदरसी हांडी, आप लोग देख सकते हैं चिकन मदरसी हांडी कैसी है। और ये आ चुका है जी यहाँ पर चिकन जेल फ्रेजी, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सी लंबी वैरायटी ग्रेवीज के अंदर मौजूद है। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है, ये काफ़ी वाइट वाइट ग्रेवी वाला चिकन है। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने है चिकन हैदराबादी, चिकन हैदराबादी बेसिकली कढ़ाई का नाम होता है जो कि हैदराबादी स्टाइल में तैयार की जाती है, ये वही रेसिपी है, ये वही डिश है। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने है जी चिकन लाहौरी कढ़ाई, आपको पता है लाहौर की कढ़ाई खासकर बहुत मशहूर है, ये थी चिकन लाहौरी कढ़ाई। और आगे चलें तो यहाँ पर है जी चिकन बोनलेस हांडी, उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने है जी बीफ निहारी, जो कि शायद मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने मेरी फेवरेट चीज़ है मटन पाए। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने है जी गर्मा गर्म मटन कोफ्ते। मैंने जितनी भी बुफे में डिशेस कवर की हैं सबसे ज़्यादा यमी डिलीशियस और इसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, सबसे ज़्यादा मुझे टेम्पटिंग ये लगा था। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है ये है जी चिकन की ही कोई डिश थी, इसका नाम मुझे भूल गया है। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने बटर नान और इसके अलावा यहाँ पर पराठे थे। उससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने गर्म गर्म सूप आ चुका है, इसके अंदर जो है वेजिटेबल्स भी डाले गए हैं, चिकन भी है और कॉर्न भी है। इससे आगे चलें तो यहाँ पर हमारे सामने वैरायटी ऑफ सैलड्स है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट तकरीबन समझ लें 10+ सैलड्स मौजूद हैं, जिसके अंदर आपको सिंपल सैलड, फ्रूट सैलड, मैक्रोनी सैलड और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। चिकन सैलड तक यहाँ पर मौजूद था। ये पड़ा हुआ जी रायता, रायते से हम लोग आगे चलें तो आप लोग देख सकते हैं रायता कितना कमाल के ग्रीन रायता है, जिसको जिसके अंदर इन लोगों ने धनिया और पुदीने के अंदर इसको तैयार किया है, और यहाँ पर भी चटनी पड़ी हुई है। इससे आगे चलें तो ये है हमारे सामने टोटल 11 किस्म की सॉसेज, ये इस एक साइड पर जो छोटी छोटे बाउल्स में पड़ी हैं वो 9 किस्म की हैं, और साइड पे 2 किस्म की 11 किस्म की सॉसेज हो गई। यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है गर्मा गर्म गुलाब जामुन, और यहाँ पर साथ ही साथ हमारे सामने मौजूद है ये है जी रसमलाई। रसमलाई आप लोग देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, इसको भी इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। वैरायटी ऑफ स्वीट्स शुरू हो चुकी है, एक लंबी वैरायटी मौजूद है स्वीट्स के अंदर, डोनट्स हैं, केक है, पेस्ट्री है, मोसेज हैं और बहुत सी वैरायटी है। फ्रेश केक है, आप जौन सा मर्जी जैसे मर्जी स्लाइस काटें, और पाइनएप्पल केक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कॉफ़ी पेस्ट्रीज और मोसेज और आपको लब्बे शीरी वगैरह, बहुत सी खीर वगैरह जैसी जैली, बहुत सी वैरायटी मिलती हैं। ये इनके हैं जी स्पेशल सैंडविचेज जो के विदाउट ग्रिल हैं, और यहाँ पर ये आ गए गोल गप्पे के लवाजमात, और ये आ गया गोल गप्पों का ठंडा ठंडा पानी, और इसकी पिछली साइड पे गोल गप्पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको चाय, ग्रीन टी और कॉफ़ी वगैरह की भी सहूलत मौजूद मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनकी अनलिमिटेड रिफिल मौजूद है। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो अपनी बाकी जो इतना के लेके आ चुके हैं, कैमरा मैन आपको दिखा सके। तो इसमें जितनी भी चांदनी चौक रेस्टोरेंट का बाकी जो वैरायटी है वो सारी हैं, और इसके अंदर ऐसी ऐसी वैरायटी मैंने देखी है जो कि आज तक मैंने किसी बुफे में नहीं देखी।
तो सबसे पहले स्पून वगैरह पकड़ते हैं, आपको उसका टेस्ट बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। हम लोग सबसे पहले जो है वो तरतीब वाइज चलेंगे, हम लोग पहले जो है बारबेक्यू को ट्राई करेंगे, फिर हम ट्राई करेंगे उनके फास्ट फूड को, फिर मेन कोर्स को, उसके बाद सारी ड्रिंक्स वगैरह को ट्राई करेंगे और एंड में स्वीट को। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम लोग ट्राई करेंगे इनका, ये है जी चिकन चीज़ टिक्का। ठीक है, चिकन चीज़ बोटी भी है, चिकन चीज़ टिक्का भी है, आप लोग देख सकते हैं इसमें चिकन चीज़ चिकन है और उसके ऊपर चीज़ लपेटी भी है। तो इसको हम लोग रायते के साथ लगा के ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ लगी हुई तो ये जायका आएगा। बिस्मिल्लाह मैंने ट्राई करते हैं। जो चिकन चीज़ टिक्का है उसके ऊपर जो बड़ी सी चीज़ की लेयर है यार, बहुत आउट क्लास टेस्ट दे रही है। वेलकम ड्रिंक के तौर पर मिंट मार्गरेटा पेश किया गया और चिकन चीज़ टिक्का जो है इसका बहुत पसंद ऑसम जायका है। अभी हम ट्राई करते हैं इनका, ये है जी फिश सी कबाब। फिश का सी कबाब मैं जिंदगी में पहली बार खाने लगा हूँ, उसको हम रायते के साथ लगा के ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह मैं बताइए, अच्छा लेकिन फिश क्या मुझे इतना पसंद नहीं आया। अभी हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर ये है जी चिकन सीख कबाब। बिस्मिल्लाह हो रही है, अंदर नहीं लेना, चिकन सीख कबाब बहुत आउट क्लास है, बहुत मज़ेदार है, नरम भी काफ़ी है, कोई भी बारबेक्यू ऐसा नहीं जो कच्चा हो, फुल टेंडर मीट है, जैसे हम लोग रखते हैं बारबेक्यू खुल जाता है। अभी हम ट्राई करते हैं, ये इनका है मटन सीख कबाब। बिस्मिल्लाह मतलब बीफ सीख कबाब है, थोड़ा सा इसका गोश्त हल्का सा कमी रह गई है, बाकी ये इतना भी सख्त नहीं है, बस नॉर्मल है। दोस्त हम लोगों ने कबाब की वैरायटी ट्राई कर ली है, बस ये दोनों कबाब रह गए, इसको ट्राई करते हैं। चिकन लेग पीस ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है और अंदर तक इसकी जूस भरा हुआ है, यानी कि अंदर तक इसका जायका है, बहुत मज़ेदार है। अभी हमने अपना बारबेक्यू आइटम फिनिश कर लिया, अभी चलते हैं हम लोग फास्ट फूड आइटम के ऊपर, वो लेके आते हैं उसका टेस्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है मैं अपना फास्ट फूड लेके आ चुका हूँ। तो फास्ट फूड के अंदर सबसे पहले यहाँ पर ये है सिंपल इनका क्लब सैंडविच, और इसके अलावा यहाँ पर जो है ये है इनका ग्रिल सैंडविच, ठीक है, और ये है चिकन शवारमा, ये है इनका बहुत ही बेहतरीन चीजी पिज्जा, ठीक है, कैमरामैन दिखा सके आपको, और ये है इनका मिनी और जूसी सा जिंगर बर्गर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनके ग्रिल सैंडविच से। ये यहाँ पर इनकी सॉस में लेके आया हूँ,
अच्छा, इस सॉस के अंदर जो है ना मैंने जितनी भी इनकी सॉसेस थी ना सारों को थोड़ी थोड़ी डाली है और मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अभी देखते हैं जायका कैसा बनता है। तो ये इस सॉस के डिप करके इस सैंडविच को लगा के ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कमाल व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स, हमें जो है ना इनकी कोल्ड ड्रिंक से थोड़ी सी शिकायत थी। तो क्योंकि इनके अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक होती है, आप जितनी यहाँ पर मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं, उसमें गैस नहीं थी। तो इन्होंने हमारी जो शिकवा है वो दूर की है, हमें फ्रेश जो है वो सील पैक बोतल ला के दी है और उसको हमारे सामने खोला है और हमारे सामने दोबारा रिफिल किया। तो टेस्ट करते हैं, ये 101% ओरिजिनल है। जो पहले ला के दी थी ना हमें उनने, वो हल्का सा उसमें गैस बिल्कुल भी नहीं थी, शरबत लग रहा था। तो अभी टेस्ट करते हैं इनका पिज्ज़ा। इस पिज्ज़े को भी हम उसी सॉस में डिप करेंगे और फिर मैं आपको इसकी सिनेमैटिक दिखाता हूँ। ये देखें ये कितना बेहतरीन और कितना जूसी लग रहा है। इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं अपना मेन कोर्स लेके आ चुका हूँ। इसके अंदर कोफ्ते और आल किस्म, मतलब के कढ़ाई, और इसके अंदर बहुत सी किस्म की ग्रेवीज हैं और साथ इसके अंदर मोती पुलाव है। बाकी ये चाइनीज आइटम्स हैं, इनको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर नजर दौड़ाते हैं। इसको एक दफा साइड पे कर देते हैं ताकि डिस्टर्ब ना हो। और ये जो है हमारे सामने तंदूरी पराठा, साथ रोगी नान है। तो तंदूरी पराठा ठंडा हो रहा है, इसको हम लोग लगा के सबसे पहले ट्राई करेंगे चिकन हरी मिर्च के साथ। ये बोनलेस हांडियां जितनी भी इनके पास हैं, चिकन हरी मिर्च के साथ हम लगा के ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बहुत हैवी एंड नॉर्मल स्पाइसी है। अब हम ट्राई करते हैं इनका ये जी चिकन जलफ्रेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार बहुत आउट क्लास है। अभी हम ट्राई करते हैं इनका ये है मटन कोफ्ता। कोफ्ते की जो ग्रेवी है ना यार, ये बहुत ही स्पाइसी लग रही है स्मेल से। टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, अभी जो है हम लोग ट्राई करते हैं इनका ये है जी मोती पुलाव। मोती पुलाव के अंदर भी छोटे छोटे कोफ्ते डाले हुए हैं और इसके अंदर ऑरेंज कैरेट की प्रेजेंटेशन की हुई है। अभी ये जो है हम ऑरेंज कैरेट के साथ पुलाव लगा खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना हल्का हल्का काबरी पुलाव का टेस्ट दे रहा है, बहुत मजेदार है। अभी हम लोग तंदूरी पराठे के साथ लगा के टेस्ट करते हैं। ये है जी चिकन की ये ग्रेवी है, चिकन मदरसी हांडी, इसको ट्राई करते हैं रेड। यार ये जो पाकिस्तानी आइटम्स थी यार बहुत आउट क्लास। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं यहाँ पर चाइनीज आइटम लेके आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे इनका ये है जी, इसको चिकन नूडल भी कह सकते हैं आप, इसको क्या कहते हैं उसको, पास्ता भी कह सकते हैं और आप इसको चाउमीन भी कह सकते हैं। ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, ये हैंडमेड नूडल है और इसका टेस्ट जो है ना आटे के नूडल है, मैदे के नहीं है। इसका टेस्ट हल्का सा कच्चा आ रहा है आटे की वजह से, मुझे फील हो रहा है। हर किसी के टेस्ट बट अलग होते हैं, दूसरों को फील ना हो, लेकिन मुझे इसका टेस्ट जो है वो काफी कच्चा कच्चा लग रहा है। अब हम टेस्ट करते हैं इनका ये चिकन मंचूरियन प्लस एग फ्राइड राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और मेन बात, खास बात, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से बुफे किए हैं, लेकिन पहला रेस्टोरेंट ऐसे देख रहा हूँ जहाँ पर आपको मिलता है चीपेस्ट बुफे
इतना चीपेस्ट भी नहीं है, और उसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड रिफिल ड्रिंक की, उसमें आप फैंटा, स्प्राइट, कोक जो मर्जी चाहे ले सकते हैं, अनलिमिटेड जितनी आप लोग पी सकते हैं। तो साथ कवाली भी शुरू हो गया, तो काफी मतलब के अच्छा माहौल बन गया। ये है जी चिकन लेमन, इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अजीब सा फ्लेवर है, मेरे जैसे देसी बंदे को शायद ही पसंद है, क्योंकि बहुत हल्की सी खटास और बिल्कुल फीका सा इसका जो है ना ग्रेवी है। ये शायद ही को देसी बंदे को पसंद है, जो मतलब कि चाइनीज खाता रहता है उसको पसंद आ सकता है। और बाकी दो चार आइटम इसी के अंदर और भी हैं। तो बहरहाल जो भी बात है, जितनी भी आइटम लाओ मैं, अगर आपको सिरी पाव भी ला के दिखाता हूँ ना, तो बहुत औसम टेस्ट होगा उसका। बाकी ऑल ओवर मैंने हर डिश ट्राई कर ली है और पेट भर गया है, तो दिल नहीं कर रहा और कुछ खाने का। अगर लेके आऊंगा बस आपको दिखाऊंगा तो जाया हो जाएगा। ओवरऑल जितनी भी इनकी चीजें ना यार आउट क्लास हैं, जो एम्बियंस है, माहौल है बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन माहौल है। इसके अलावा यहाँ पर स्वीट में भी आपको बहुत सी वैरायटी मिलती है, मेन कोर्स में अलग वैरायटी है, यानी कि एक लंबी वैरायटी है, जो आप 2400 रुपए भरेंगे ना पर पर्सन, वो आपके इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो अभी हम लोग ये सारा कुछ फिनिश करते हैं, उसके बाद में स्वीट में कुछ लेके आऊंगा, उसके बाद सूप वगैरह जो भी मैं आपको लाऊंगा ना, तो मैं आपको लाजमी। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना बुफे एंजॉय कर लिया है। सबसे पहले जो मेन बात है जिसके लिए आपने मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखी है, वो ये है कि इसकी प्राइस क्या है। आप लोगों ने मेन्यू तो देख लिया है, मेन्यू देख के आप लोगों का इंशाल्लाह दिल खुश हो गया होगा। और देखा जाए इनकी प्राइस के बारे, तो इनकी प्राइस है 2400 विद टैक्स, इसमें टैक्स इंक्लूड है। इसके अलावा आपको 2400 के अलावा कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह नहीं देना। इसी 2400 रुपीज के अंदर आपको अनलिमिटेड ड्रिंक्स मिलती है, और यहाँ पर आप जितना खाएं अपने दिल से खाएं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। इसकी दो स्लॉट्स हैं, इसका कॉन्टेक्ट नंबर और प्राइस के बारे और इन्फॉर्मेशन एंड मेन्यू का ड्राइव फोल्डर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, मैं आपको ये फुली रिकमेंडेड करता हूँ। अगर आप लोग एक प्रीमियम बुफे करना चाह रहे हैं, तो मतलब कि नॉर्मल प्राइस के अंदर यहाँ पर हैं। वैसे देखा जाए तो लाल किला की जो प्राइस है वो है 3000 यानी कि 3100 रुपीज विद टैक्स, और यहाँ की जो प्राइस है वो ओनली 2400 है। 500-600 का यहाँ पर डिफरेंस है, और ज्यादा मैंने जो अपनी नजरों से देखा है या अपने दिल को देखा है, तो मुझे वहां से ज्यादा यहाँ पर मजा आया। इसके अलावा लोकेशन की बात की जाए, तो इसकी जो करंट लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी गूगल मैप की। अगर मैं आपको बता दूं तो गुलबर्ग के अंदर ये मौजूद है, चांदनी चौक रेस्टोरेंट। बाकी आप लोग एम्बियंस देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद हारून को, कैमरामैन मोहम्मद मामून के साथ, पाकिस्तानी फूड रिव्यूज एंड व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।